चैनलों पर आजकल 17 बाबा जी दिखाई दे रहे हैं और ये 15-20-25 दिन जाते हैं कि एक बाबा जेल के लिए तैयार हो जाता है। ये माहौल सर बन गया है। 16 चैनलों पर 17 बाबा जी, एक बाबा जी तो बड़े पॉपुलर रहे पिछले दिनों, कृपा वाले बाबा, समोसे की कृपा, चटनी की कृपा, पता नहीं किस किस की कृपा करते रहते थे। पिछले दिनों मेरे मोहल्ले का लड़का चला गया निर्मल बाबा के दरबार में, बाबा मेरी लुगाई मुझे प्यार नहीं करती। बाबा बोले मेरी कौन सी करती थी, हंसने की बात नहीं है, किसी की नहीं करती, हालत खराब सबकी होती है सर, मेरी कौन सी करती थी, तू बता तेरी समस्या क्या है। बाबा 5 साल शादी के हो गए प्यार नहीं करती। अच्छा तू उसके बनाई हुए खाने की प्रशंसा करता है, बाबा नहीं करता, तेरी कृपा वही अटकी हुई है। अगला समझ गया कि घरवाली के बनाई हुए खाने की प्रशंसा कर दो तो बदले में प्यार मिलता है। घर पहुंचा, घरवाली ने दही से पराठे खिलाए और उसको तो प्रशंसा करनी थी, वाह वाह क्या दही है, आए हाय ऐसा दही तो मैंने देखा ही नहीं, क्या पराठे बनाए हैं, ऐसे पराठे तो 5-स्टार होटल वाले भी नहीं बना सकते, क्या पराठे हैं, ऐसा लगता है जिन हाथों ने पराठे बनाए हैं उन हाथों को चूम लूं। घरवाली को लगा कुछ ज्यादा ही चढ़ा रहा है, पलट के एक लात मारी, निकम्मे 5 साल से बना बनाकर खिला रही थी, तूने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसी से 2 पराठे क्या मांग लाई कि तू तारीफ पे तारीफ किए चला जा रहा है। ये स्थितियां हैं बाबाओं की सर, एक से एक बेहतर सर। अच्छा इनके प्रवचन सुनो, चक्कर खा जाता हूँ सर मैं तो। मैं तो पिछले दिनों 1:30 बजे के करीब एक कवि सम्मेलन से लौटकर घर पहुंचा, मैंने जैसे ही टेलीविजन ऑन किया, मोदी सर टेलीविजन ऑन किया तो एक बाबा का प्रवचन चल रहा, पहली पंक्ति सुनो चक्कर खा जाओ, 1:30 बजे के करीब बाबा का प्रवचन चल रहा है, अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। बाबा ये कौन सा सोना है, सोने के लिए जगना पड़ेगा। 1:30 बजे के करीब वो आए और 1.5 घंटे तक प्राण पीते रहे। फिर एक बाबा और प्रकट हुए, गेरुआ वस्त्र लंबी धारी, मूर्ख अब तक सो रहा है, बाबा मैं अभी कहां सोया था, 12-1 बजे तक तो घर फोड़ू सीरियल टेलीविजन पर सोने नहीं देते, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल आते हैं सर, सोने नहीं देते, जैसे तैसे कोशिश करो तो वो तुम्हारे गंजे वाले दोस्त आ गए सर, तमाम मित्र मेरे बैठे हुए हैं बिल्कुल मेरे साधु भाई जैसे। ये इसका भी सर बहुत बड़ा लॉजिक है, आदमी के सर पर केवल 2 ही महिलाएं हाथ फैला सकती हैं, भाई साहब मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, फेस टू फेस हो रहा है, आदमी के सर पर केवल 2 ही महिलाएं हाथ फैला सकती हैं, माँ फैला सकती है या पत्नी फैला सकती है, माँ हाथ फैलाती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फैलाती है तो मामला ऐसा कुछ है। भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दी। सर हंसने के लिए, मतलब 3:30 बजे के करीब बाबा प्रवचन कह रहा है, मूर्ख अब तक सो रहा है, बाबा मैं अभी कहां सोया, 12 बजे तक मल्लिका सेरावतों ने नहीं सोने दिया, फिर वो गंजे वाले दोस्त आ गए और अब आप आ गए, बाबा मैं कहां सोया। 4:30 बजते नहीं है कि बाबा लाला रामदेव शुरू हो जाते हैं, अब उनको बाबा नहीं कहा जा सकता, लाला राम, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको बना के वो बेच नहीं रहे। फूं, 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 इधर पार्क में फूं, उधर पार्क में फूं, फूं ही फूं मची हुई है, किसी को भी पूछो क्या कर रहे हो, कपाल भांति कर रहे हैं। सही बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे 4 सांप इधर से निकल के आ रहे, 4 सांप इधर से निकल के आ रहे हैं। मैं तो उस दिन ताज्जुब में पड़ गया, मेरे 90 साल के ताऊ जी 4-5 पे अलती पलती मारे बैठे, अरे मेरे की आत्मा निकल के बाहर आ गई, दिमाग खराब नहीं हो गया, 85 साल की उम्र में फूं फूं करने की जरूरत नहीं। लेकिन साहब गजब का काम है, पिछले दिनों भाई साहब आनंद लेना, मेरे मोहल्ले में एक सेठ जी शांत हो गए, उनको भी 90-95 साल के रहे होंगे। अपन हिंदू संस्कृति में आप लोग जानते हैं 13 दिन तक शोक मनाते हैं और उठने बैठने के लिए मातम पोष के लिए जाना आना पड़ता है। मैं भी पड़ोसी होने के नाते उनके घर गया, मैंने भी सदियों पुराना घिसा पिटा वही प्रश्न पूछा जिसको आप भी पूछते होंगे,
क्या हुआ था, कैसे शांत हो गए, दुनिया बदल गई लेकिन ये प्रश्न नहीं बदला, कैसे शांत हो गए। मैंने इतना ही कहा था कि वो रोने लग गया, रामदेव के चक्कर में शांत हो गए। अरे बोलिए रामदेव से तेरे दादा का क्या मतलब है भाई साहब, सवेरे योगा सीख रहे थे, बाबा ने कहा सांस खींचो, दादा ने सांस खींची और खींचो और खींची, तब तक बिजली चली, आधे घंटे तक बिजली नहीं आई, दादा यमराज नहीं खींच लिया, एक बार ताली बजा दे। अच्छा सर, मैं बाबा रामदेव को इसलिए प्रणाम करता हूँ कि आजकल जो चिकित्सा मतलब जो इलाज बहुत महंगा हो गया है, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों ने सुलभ इलाज लोगों तक पहुंचा दिया, क्योंकि हम हास्यवन के कवियों को हास्य खोजना पड़ता है। मैं प्रणाम करता हूं और उनको एक बात के लिए और साधुवाद देता हूं, उन्होंने बाकायदा स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया, कोई सिंपैथी नहीं बरती महिलाओं के लिए भी, उन्होंने बाकायदा महिलाओं को भी काम पर लगा दिया है। देखे होंगे आपने कुछ पार्कों में महिलाएं अनाखून घिसते हुए, एक पार्क में बैठी बैठी पांच छह महिलाएं घिस रही, मैंने पूछ लिया बहन जी आप ये क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी मूर्ख तू भी घिसा कर, समय से पहले गंजा हो गया है, ऐसा करने से बाल लंबे होते घने होते काले होते हैं। मैं समझ गया कि बाबा रामदेव का योगा है, लेकिन एक महिला नहीं घिस रही, साड़ी का पल्लू मुंह पर रखे बैठी। मैंने कि बहन जी ये सब घिस रही है फिर आप क्यों नहीं घिस रही, तो वो रोने लग गई, भाई साहब 3 साल से घिस रही थी दादा, घिस गए सो मेरी मूंछ निकल गई। कहने का सर मेरा मतलब चार पंक्तियों से मैं उस कवि को आवाज देना चाहता हूँ जो लाफ्टर का इन दिनों बेताज बादशाह या सारे हिंदुस्तान में बड़ा सम्मान जिसको मिलता है। मैं चार पंक्तियां उसको ये कहना चाहता हूँ कि छल फरेब की इस दुनिया में सच्चाई का मान नहीं है, छल फरेब की इस दुनिया में सच्चाई का मान नहीं है, यहाँ लोग देवता बन जाते हैं पर बनते इंसान नहीं, लोग देवता बन जाते हैं पर बनते इंसान नहीं है, खाकी देखी खद्दर देखा न्यायालय तक लूट रहे हैं, धरती खोजी अंबर खोजा किंतु मिला ईमान नहीं है, किंतु मिला ईमान नहीं है, किंतु मिला ईमान नहीं है।